खबर है मध्य प्रदेश के सीधी जिले से। आपको बता दें कि डिलीवरी कोरियर में बेचे जा रहे थे कोरेक। पुलिस ने बताया कि इनके गहरे हैं तार। बता दें कि सीधी जिले में अवैध नशे का कारोबार लगातार फल फूल रहा है, जहां कोरेक्स से लगातार स्मैक, गांजा और शराब तक शामिल है, जहां पुलिस इन पर लगातार कार्रवाई करती है और उनको गिरफ्तार भी करती है। ऐसा ही एक मामला सीधी जिले से सामने आया है, जो सबको हैरान कर देने वाला था। चोरी से अवैध चीजें बेचने का कार्य तो लगातार चल ही रहा था, लेकिन इस प्रकार अभी तक नहीं हो पाया था। कोरियर सर्विस के माध्यम से नशीली चीजों को मंगाकर बेचे जाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। बता दें कि सीधी जिला मुख्यालय से महज आधे ही किलोमीटर की दूरी पर शहर की ऊंची हवेली में डिलीवरी कोरियर सर्विस है, जहां अवैध रूप से नशे की खरीद परोक्ष की जाती है। ऐसे ही पुलिस को एक सूचना मिली कि जहां कल सोमवार की रात में सीधी शहर की ऊंची हवेली में पुलिस के द्वारा दबिश दी गई, जहां 480 नग नशीली कफ सिरप को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। लेकिन पुलिस तब हैरान रह गई जब यह कार्य कोरियर के माध्यम से किया जा रहा था, जहां पहले ऑनलाइन मेडिकल फार्म के नाम से कोरेक्स मंगवाई जाती थी, उसके बाद डिलीवरी कोरियर सर्विस में उसे रखा जाता था, फिर यहां से डिलीवरी बॉय के माध्यम से लोगों तक सप्लाई कराई जाती थी। जिस तार को पुलिस ने पकड़ लिया है और तीनों आरोपियों को रात में पूछताछ के बाद आज मंगलवार के दिन न्यायालय में पेश किया गया है। आइए हम आपको सुनाते हैं अभिषेक उपाध्याय थाना प्रभारी कोतवाली सीधी ने क्या बताया है। अभी आपने जो कार्रवाई की है सर, क्या है, और चूंकि कुरियर कंपनी का नाम इसमें आ रहा है तो कैसे कैसे आपने कार्रवाई की और क्या है? ये अभिषेक शर्मा, कृष्णा पांडे, शिवांश मिश्रा और एक अन्य इसमें आरोपी है। इन तीनों के कब्जे से 480 नग कोरेक्स कफ सिरप की जब्ती की गई है। ये जो तीनों हैं, ये ऊंची हवेली में एक डिलीवरी कोरियर सर्विस है, वहाँ के ये एम्प्लॉय हैं। इसमें दो मैनेजर हैं, एक डिलीवरी बॉय है। तो कोरियर के माध्यम से अभी तक जो विवेचना में तथ्य आए हैं, तो वो यही आए हैं कि पार्सल के माध्यम से इनके पास ये कफ सिरप पहुँचता था और ये अलग अलग जगह इसको सप्लाई कर देते थे। और सर, तो कैसे, मतलब किसी से ऑर्डर करते थे जो ग्राहक मंगवाने वाले हैं, क्या कैसे तथ्य सामने निकल कर आए? ये उक्त संबंध में अभी इनका पीआर प्राप्त किया जा रहा है। पीआर पे इनसे पूछताछ के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। बाकी ये डिलीवरी कोरियर कंपनी के कर्मचारी हैं और इनकी संलिप्तता पाई गई है। आरोपियों का नाम सर? आरोपी एक अभिषेक शर्मा है, एक कृष्णा पांडे है और एक शिवांश मिश्रा है।